हेलो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में किसी को ऑक्सीजन मिलना मतलब अमृत मिलने के बराबर है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए कुछ भी कितना भी कीमत देने को तैयार है। 5,000 की सिलेंडर को लोग 50-60,000 तक में खरीदने को तैयार हैं। इसलिए दोस्तों, हमें लगा कि आपको इस चीज़ को लेकर जानकारी होना बेहद ही आवश्यक है कि आखिर ऑक्सीजन को बनाया कैसे जाता है, ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया क्या है, और जिस सिलेंडर में ऑक्सीजन को भरा जाता है उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऑक्सीजन के बनने से लेकर सिलेंडर में भरे जाने तक हर एक प्रोसेस को एनिमेशन और विजुअल के जरिए समझाने वाले हैं। ऑक्सीजन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ऑक्सीजन को हमारे एटमोसफेयर से ही बनाया जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% आर्गन एंड बाकी सारे गैसेस मिक्स होते हैं। तो सबसे पहले इन्हें अलग करने के लिए हवा को एक फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे कि हवा में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह अलग हो जाते हैं। तो अब बचती है केवल गैस। इस गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई करके इसे कंप्रेस किया जाता है और नेक्स्ट स्टेप में इसे प्यूरिफिकेशन यूनिट में डाला जाता है। यहाँ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स अलग हो जाते हैं। तो अब जो मिक्स गैसेस बचती है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे -173 डिग्री सेल्सियस वाले कोल्ड बॉक्स में डाला जाता है, जहाँ वो लिक्विड में बदल जाता है। तो अब फाइनल स्टेप होता है सेपरेशन का, जिसके लिए इस लिक्विड फॉर्म को इस टैंक में डाला जाता है। आपको पता होगा कि सभी गैसेस की डेंसिटी डिफरेंट होती है, जिससे कि ये टैंक के अंदर बने अलग अलग चैम्बर में जमा हो जाती है। ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये नीचे वाले चैम्बर में जमा हो जाती है और इसके ऊपर आर्गन और सबसे टॉप पर नाइट्रोजन जमा हो जाती है। इसी प्रकार सभी गैसेस को अलग कर लिया जाता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। तो फाइनली हमें डिस्टिल्ड ऑक्सीजन प्राप्त हो चुका है। तो अब बारी आती है इसे सिलेंडर में भरने की। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर किस तरह से बनाई जाती है। सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्रियों में लोहे के पाइप को मंगा लिया जाता है और फिर इन पाइप्स को कटर के जरिए सिलेंडर की लंबाई में काट लिया जाता है। इसके बॉटम यानी कि नीचे वाले पार्ट को बनाने के लिए सर्कल शेप के लोहे को एक मोल्ड में डालकर उसके ऊपर 800 टन प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जिससे वो सिलेंडर के बॉटम का शेप ले लेता है। इसे एक ओवरहीटिंग चैम्बर में डालकर इसके कटे हुए पाइप को जोड़ दिया जाता है। अब इसके टॉप वाले हिस्से को राउंड शेप देने के लिए इसे गर्म किया जाता है और साथ ही एक हार्ड मेटल इसके एजेस को शेप देने का काम करती है। अब सिलेंडर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसे 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 6 मिनट के लिए इसे केमिकल में डुबाकर रखा जाता है और फिर 90 मिनट तक 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करके उसे 2 घंटे के लिए केमिकल में छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को टेम्परिंग कहा जाता है। इसमें सिलेंडर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब इसमें वॉल्व को लगाने के लिए इसकी स्क्रूइंग कर दी जाती है। उसके बाद हाई प्रेशर वाटर के जरिए इसके बाहर और अंदर की सफाई कर दी जाती है और फिर इसमें वॉल्व को फिट कर दिया जाता है। उसके बाद इसे पेंट कर दिया जाता है। तो अब फाइनली ये ऑक्सीजन फिल करने के लिए तैयार है। एक वर्कर इन सिलेंडर्स पर ऑक्सीजन के पाइप को लगा देती है और इस तरह से इसमें ऑक्सीजन को फिल कर दिया जाता है और फिर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इसके यूजेस के हिसाब से इसे अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस बार ना मैं आपको इस वीडियो को लाइक करने के लिए कहूँगा और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकले हैं और निकले भी तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद। अब आपकी स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लें। वीडियो बहुत ही अच्छी है।